डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 6 रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्मेशन, आइसोमराइजेशन, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन सट्रेट चेन, ब्रांच चेन, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर उसका रिएक्शन है, एंटी नॉक एजेंट हैं। इस रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को स्टार्ट करने से पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में इस अल्काइल ग्रुप का जो है ना वो लिंक है। तो वो बेसिकली वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, उसका नॉमनक्लेचर भी है, डिटेल भी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चंद बातें वो अल्काइल ग्रुप के हवाले से करूँगा, वो ज़रा आप चेक कर लें, समझ लें। अल्काइल ग्रुप, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन द प्रोडक्ट इज अल्काइल रेडिकल। ये अल्केन फर्ज करें आपने लिखा है CH4, ये C2 दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है, ये चौथा मेंबर है। तो ये अल्केन है और ये अगर हम उससे बनाएंगे अल्काइल रेडिकल या ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन अगर उसमें से रिमूव करते हैं तो ये CH3 और ये बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकाला है आपने, ये C2H5, ये C3H7 है, ये C4H9 है। तो ये मीथेन से मिथाइल, यानी सफिक्स जो एन है ना, दैट इज एन इज रिप्लेस्ड बाय YL, तो ये मिथाइल आ जाएगा, ये इथेन था, इथाइल आ जाएगा, ये प्रोपेन है, प्रोपाइल आ जाएगा, ये ब्यूटेन है, ब्यूटाइल है। इसी तरह ये मुख्तलिफ अल्केन, दीज आर दी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन जो अल्काइल है वो अल्केन से ड्राइव हुआ है। और इस पे अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है CnH2n+2, तो इस पे फार्मूला होगा CnH2n+1। तो ये था अल्काइल रेडिकल के बारे में कुछ बातें। तो अब हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्मिंग। पेट्रोलियम गैसोलीन बन चुका है, उसको रीअरेंज, रीफॉर्म करना, दोबारा तश्कील देना, रीफॉर्म, उसको बेहतर करना, ऐसे कह लो, जिससे उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का मेन ये है कि गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर करना, जिस तरह क्रैकिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, ये क्वालिटी को इंक्रीज करता है, क्वालिटी। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन तो डिटेल, इसके डिफरेंस में हम स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन की बात करेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है, तो फिर ऑटोमेटिकली डेफिनेशन की ज़्यादा समझ आएगी। तो कन्वर्शन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन टू गेट गुड क्वालिटी गैसोलीन, मीन हाई ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर के ये भी नेक्स्ट आ रहा, अभी इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम।
यानी स्ट्रेट चेन, इसका मतलब स्ट्रेट चेन बैटर नहीं है। स्ट्रेट चेन जो गैसोलीन है उसको हम ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि ब्रांच चेन में कन्वर्ट करें। तो इसका मतलब ये हमारे जहन में थोड़ा सा कंसेप्ट आ रहा है कि स्ट्रेट चेन जो है वो गुड क्वालिटी गैसोलीन नहीं है, बल्कि उसकी निस्बत जो ब्रांच चेन गैसोलीन है, हाइड्रोकार्बन है, वो गुड क्वालिटी है, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा है, वो इंजन में ज़्यादा बैटर अच्छा वर्क कर सकता है, इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकता है। तो अब अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास ये दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड अकॉर्डिंग टू दिस, यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो इसमें जो स्ट्रेट चेन हैं वो हाई नॉकिंग करते हैं इंजन में, एक लो नॉकिंग है, और इनका ऑक्टेन नंबर इन स्ट्रेट चेन लो ऑक्टेन नंबर है और ये हाई ऑक्टेन नंबर है। ये बैड फॉर इंजन है, इंजन है। तो यहाँ से भी समझ आ रही है कि ये नॉकिंग ज़्यादा करते हैं स्ट्रेट चेन। अगर हाइड्रोकार्बन जो हैं अगर उनको हम वो इंजन में जाते हैं तो वो इंजन में जाके और क्या करते हैं कि वो प्लग्स पार करने से पहले ही जो है ना बर्न होना शुरू हो जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तो जब वो जाते हैं तो स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा होती है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। ये नॉकिंग शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन जो उसके पहले ही जलने से पैदा होती है। लेकिन इधर देखें, इधर वो पहले नहीं जलते, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है वो प्लग स्पार्क जो है ना करके गाड़ी को स्टार्ट करने से ही बर्न होते हैं, जिससे इंजन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बार बार नॉकिंग होने से इंजन की एफिशिएंसी में कमी आ जाती है और वो इंजन के लिए अच्छे नहीं होते। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हाई नॉकिंग करते हैं और उनका ऑक्टेन नंबर क्वालिटी है, अभी मैं ऑक्टेन नंबर को भी एक्सप्लेन करूंगा, ऑक्टेन नंबर उनका अच्छा नहीं होता। तो जिनका ऑक्टेन नंबर अच्छा नहीं होगा उनकी नॉकिंग ज़्यादा होगी, और जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उनकी नॉकिंग कम होगी। यानी ऑक्टेन नंबर क्या है, गैसोलीन की क्वालिटी है। यानी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो गैसोलीन बहुत अच्छा होगा, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो उसका गैसोलीन जो है ना वो क्वालिटी जो है ना वो क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिफरेंस है ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है कि इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग, इसको हम रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो नॉकिंग के बारे में मैं अभी बता भी रहा था कि नॉकिंग क्या है, नॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी वो इंजन के लिए, गाड़ी के लिए नुकसानदेह होगी। नॉकिंग इज अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन।
और स्ट्रेट चेन वालों को मैंने अभी बताया कि स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इंटरनल कम्बस्टन इंजन में जाके वो ज़्यादा नॉकिंग करते हैं, जिससे इंजन की एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अच्छी क्वालिटी के गैसोलीन नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर मैं अभी बता भी रहा था कि ऑक्टेन नंबर जो है वो गैसोलीन की क्वालिटी है। हाई ऑक्टेन नंबर बेटर इज़ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, लो ऑक्टेन नंबर लोअर इज़ द क्वालिटी। तो ये देखा गया कि जो ऑक्टेन नंबर है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ दी परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। यानी ये आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज है एक मिक्सचर में, क्योंकि एक मिक्सचर में स्ट्रेट चेन भी होंगी, ब्रांच चेन भी होंगी। जो स्ट्रेट चेन होंगी उनका ऑक्टेन नंबर जीरो होगा, जैसे कि एन हेप्टेन है, और जो ब्रांच चेन होगी आइसो ऑक्टेन उनका ऑक्टेन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा गैसोलीन है, गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 80 है, तो उसमें क्या है कि जो हमारे पास आइसो ऑक्टेन है वो 80% है और जो एन हेप्टेन है वो 20% है। और दूसरी कैटेगरी के जो एक ये है, दूसरी कैटेगरी के वो हैं कि अगर फ़र्ज करें कि हमारे पास 70 जो नॉर्मल हम गैसोलीन वगैरह यूज़ करते हैं वो कार वगैरह में, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 74 होता है। और इससे फिर तीसरी कैटेगरी के आ जाते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर 74 से भी क्या होता है, कम होता है। आइसो ऑक्टेन एक ऐसा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है जिसका ऑक्टेन नंबर 100% है और उसका जो स्ट्रेट चेन है वो नहीं है, यानी उसका जो एन हेप्टेन है वो 0% है और उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। वो हमें इस बात से पता चलेगा जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कन्वर्शन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन टू गेट गुड क्वालिटी गैसोलीन दैट इज हाई ऑक्टेन नंबर इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। और जो रिएक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को जब ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम रहेगा, और इस वजह से हम उस फिनोमेना को आइसोमेराइजेशन कहते हैं। आइसोमेराइजेशन जैसा कि ये देखें, ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये दिस इज एन ऑक्टेन नॉर्मल चेन है एन, और हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन है, आप चेक कर सकते हैं। एल्केन है, फॉलो फार्मूला CnH2n+2। तो अगर हम इसके रिफॉर्मिंग प्रोसेस से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट AlCl3, तो इसमें आप चेक करें कि ये वैलेंसी के वाले से अगर हम बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये देखें, यानी और ये कोवैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे पूरी है ये देख लें, यहाँ 3 हाइड्रोजन और ये एक बॉन्ड है, तो ये मीन ये अगर हम देखें फोकस करें, ये कार्बन की ये 3 हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर रहे हैं और एक ये बॉन्ड पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी होगी। अगर हम ये लें इसको, इस कार्बन को लें, तो इसके दोनों साइड पे बॉन्ड 2 हैं, ये एक बॉन्ड, ये दो वैलेंसी ये पूरी होगी और 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो इस तरह आप देख लें मुकम्मल कि कार्बन की 4 वैलेंसी जो है ना वो फुली सेटिस्फाइड है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये 5 कार्बन आप इस तरीके से लिख लें, 1 2 3 4 5,
तो पांच कार्बन ये हमारे पूरे हो गए, आठ कार्बन को फोकस करना है। तो इसमें ये दूसरे कार्बन पे आप अगर दो कार्बन और लगा दें और एक यहां पे कार्बन लगा दें तो आप देखें जरा इसके आठ और यहां भी आठ पूरे हो गए। और जब आप इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो हाइड्रोजन उतने ही आएंगे जितने स्ट्रेट चेन में हैं। तो इसी प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन का नाम देते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर रेलिवेंट विद ईच अदर, आइसोमर्स टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर सेट टू बी आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दिस इज द आइसोमराइजेशन। अब यहां पर ये देखें एक वैलेंसी पूरी है, यहां तीन हाइड्रोजन आ गए, एक वैलेंसी पूरी है, यहां तीन हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन को भी फोकस करें, इसकी भी एक पूरी है, तीन हाइड्रोजन आ गए। इसकी एक ये दो पूरी है, दो हाइड्रोजन, यानी जितने बॉन्ड से पूरी हो रही है बाकी आपने वो हाइड्रोजन से एडजस्ट कर लेनी है। ये बॉन्ड से अगर आप देखें लेफ्ट राइट और ये नीचे को देखें तो एक है, यानी इस कार्बन की तीन पूरी और एक हाइड्रोजन चाहिए, और यहां भी एक पूरी है और इधर इर्द गिर्द और कुछ भी नहीं ऊपर नीचे, तो यहां तीन हाइड्रोजन है। इसको भी देखें तो एक पूरी है, तीन हाइड्रोजन है। यहां इस कार्बन को फोकस करें, ये कार्बन जो है तो इसकी बॉन्ड से ही पूरी हो रही है, कैसे, एक दो तीन चार। तो यहां पे जब बॉन्ड से पूरी हो जाए वहां पे आपने हाइड्रोजन नहीं लगाना। तो यहां पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और बेसिकली इसका जो नाम है वो कॉमन नेम आइसोक्टेन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आई यू पैक इसका नेम चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड नॉमनक्लेचर से यहां हम इसको मैनेज करेंगे। तो इसका नाम ये, इसी वजह से मैंने वो अल्काइल रेडिकल आपको समझाया था, क्योंकि ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, और दिस इज द मिथाइल। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, तो टू पे मिथाइल लगा है, फिर टू पे मिथाइल लगा है, और ये फोर पे मिथाइल लगा है। तो इसको टू टू फोर, टू कॉमा टू कॉमा फोर हाइफन, और ट्राई मिथाइल, और ये पेंटेन आ गया। ये पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन वाले को हम अल्केन में पेंटेन कहते हैं, और ये तीन उसके सब्सिट्यूट्स लगे हैं जिनको रेडिकल कहते हैं। किन पोजीशन पे लगे हैं वो कर दिया, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज दी आइसो ऑक्टेन, और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 होता है, और इनका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 होता है। तो ये था इसका रिएक्शन, और रिएक्शन में वाज़े तौर पर क्लियर हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ नॉट गुड क्वालिटी गैसोलीन, जो इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, और ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर करते हैं, क्योंकि ये लो नॉकिंग सब्सटेंसेस होते हैं और इनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हम एक और तरीके से भी नॉकिंग को कम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ एडिटिव्स, एंटी नॉक एजेंट, बाय द यूज़ ऑफ एडिटिव, तो उसको हम कहते हैं एंटी नॉक एजेंट। तो उसमें एक स्पेशल कंपाउंड ब्लेंड कर दिया जाता है गैसोलीन के साथ, दैट इज़ दी टेट्राइथाइल लेड, यूज़ ऑफ एंटी नॉक एजेंट टेट्राइथाइल लेड, इसका ये फार्मूला है। ये इथाइल आपने भी पढ़ा था रेडिकल में, इथाइल C2H5 होता है, ये टेट्रा इथाइल, यानी चार इथाइल लगे, कैसे, C2H5 की वैलेंसी एक होती है, लेड की चार होती है, हैवी मेटल है, तो ये इसको क्रॉस कर दे तो ये बनता है टेट्रा इथाइल लेड। तो जब ये उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये एंटी नॉक एजेंट है, नॉकिंग को रिड्यूस करता है, और ये ब्लेंड कर दिया जाता है गैसोलीन के साथ। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब इस तरह का गैसोलीन जिसमें क्या होता है टेट्राइथाइल लेड, जब वो इंजन में जाता है तो वो गैसोलीन बर्न होने से वो लेड ऑक्साइड बनता है, और लेड ऑक्साइड जब बनेगा तो एग्जॉस्ट वो फिर जाके रिड्यूस होके वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेड एक मेटल है, और वो एग्जॉस्ट पाइप के जरिए अगर वो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से बाहर आएगी तो वो माहौल में चले जाएगी, काजिस एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का मौजूद बनेंगे, और एयर पोल्यूशन के साथ जो है वो ये रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी डिजीजेज, क्योंकि एयर पोल्यूशन से ज़्यादातर जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज का जो है ना वो मौजब बनते हैं एयर पोल्यूशन। तो ये पता चला जो टेट्राथाइल लेड है ये कोई इतना वैल्यूएबल जो एडिटिव नहीं है कोई, इससे बल्कि गाड़ी को भी नुकसान होता है और माहौल जो है ना वो पोल्यूट हो जाता है और वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है ना वो मार्ज वजूद में आती हैं। तो ये एंटीना ऑक एजेंट का यूज़ था। तो ये हमारे पास रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये आर्टिकल रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम जिससे हम गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर को बेहतर करके नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, गाड़ी के इंजन के लिए बेहतर कर सकते हैं, और ये फिनोमेना को हम कहते हैं रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।